जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे सामक के राइस का ऐसी डिश जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिना कोई किसी ऑयल के बनेगी और इसे आप दो तरीके से खा सकते हैं, नमकीन भी और मीठा भी। इसे आप नवरात्रि में रोज़ बनाकर खा सकते हैं, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट भी नहीं चाहिए। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कप के करीब सामा के राइस लिए हैं, इसे हमारे यहाँ मोरधज भी कहते हैं, ऐसे कोडो मिलेट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक सामा का राइस लिया है, फिर सामा का चावल, इसलिए आपको इस तरह से ब्राउन दिख रहा है। ये नॉर्मली ये वाइट कलर में भी आता है, तो आप इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लीजिएगा ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इसमें हम लगभग 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर छाछ लिया है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप 1 कप के करीब अच्छा खट्टा वाला दही ले लीजिएगा और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी मिला लीजिएगा, जैसे कि हम कढ़ी में मिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें एक बार टेस्ट कर लेना है कि ये ज़्यादा खट्टा है तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें और पानी डाल देंगे। हमें इसे इतना ही खट्टा रखना जितना हम खा सकते हैं कि ये थोड़ा सा कुक होने के बाद खट्टा हो जाएगा, जैसे कढ़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे टेस्ट करने के बाद, देखिए इस तरह से। अब हमें इसे गैस पर रखकर हाई फ्लेम पर कंटिन्यू मिक्स करते हुए, जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए, हमें मिक्स करना नहीं से, जैसे हम कढ़ी बनाते ना, नहीं तो ये फट जाएगा। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे 2-2 मिनट बाद। देखिए अच्छे से गर्म हो गया और हल्का सा बॉयल होने लग गया, तो हम इसे हर 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे जल सकता है। ये अभी तो आपको पतला लग रहा है, धीरे धीरे जब ये सामा के चावल कुक होने लगेंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हम बिना कोई तेल का यूज़ नहीं किया है। ये खाने में बिल्कुल कर्ड राइस जैसी ही लगेगी, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही यमी लगती है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए थोड़ी देर बाद ये इस तरह से हो जाएगी। इसे बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ये इस तरह से गाढ़ा होने लग जाए तब हम चेक कर लेंगे कि हमारे सामा के चावल अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं। देखिए इस तरह से दिखने लग जाएंगे ये, तब हमें गैस ऑफ कर देनी है और इस पर एक जाली वाली प्लेट ढक देनी है जिससे कि ठंडा हो जाए। हमें इसे ठंडा ही खाना है क्योंकि गर्म खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा, जैसे हम कर्ड राइस खाते, लेकिन इसका टेस्ट कर्ड राइस से भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इसे बना के ज़रूर खाइएगा एक बार, तभी आपको पता चलेगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, जैसे हम दलिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बस हमें इसे ठंडा कर लेना है, जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से ढक के रख देंगे इस पर जाली वाली प्लेट, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे हम 2 तरीके से खा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगी इसे हम मीठा बना के कैसे खाएँगे। तो इस तरह से इसे सर्व कर लीजिएगा और इसके ऊपर हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनली दूध डाला जाता है, तो आप भी डाल सकते हैं जिससे कि इसका खट्टापन बैलेंस्ड हो जाए। तो आप उसके अकॉर्डिंग दूध डाल लीजिएगा और इस पर हम थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिक्विड गुड़ लिया है जिसे हम राप कहते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप गुड़ को क्रश करके इस पर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप मीठा खाना चाहें। तो बस इस तरह से रेडी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बनाकर जरूर खाइएगा, इसे बहुत ही टेस्टी लगता है, खीर से भी ज़्यादा अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। अब इसे हम नमकीन कैसे बना सकते हैं, देखिए इस तरह से सर्व करेंगे। ये नमकीन तो पहले से ही है पर इसमें हम थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पीनट मसाला आलू बना रखे थे वो ले लिए हैं और इस पर हम थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे
और ये अगर आपको ज़्यादा खट्टा लग रहा था उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं तो आप इस पर जैसे हम कर्ड राइस में तड़का लगाते हैं ना जीरे और करी पत्ते और मिर्ची का, वैसा आप इस पर भी लगा सकते हैं, तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो हो गई ना हमारी 2-in-1 डिश, तो आप इस नवरात्रि इसे ज़रूर बनाइएगा। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसे खाने के बाद पेट हमारा हल्का रहेगा और दिन भर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि साबूदाना हम रोज़ खाएं तो हमारे पेट से हेवी हो जाता है। ये खाएंगे आप तो इसे आपको बिल्कुल हल्का लगेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए दोनों ही देखने में बहुत ही यम्मी लग रहे हैं और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ऑयल नहीं खाना है, कभी मुँह का टेस्ट चेंज करना है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए इस तरह से आप इसे मिक्स करिए और आलू के साथ इंजॉय करिए। आप चाहे तो इसके साथ चिप्स भी रख सकते हैं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगे। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ में और लाती रहूँगी। तो इन्जॉय करिए इस सामा के राइस की 2-in-1 रेसिपी को, मसालेदार भी और स्वीट भी। हो गया ना हमारा कंप्लीट मील, तब इसे इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके बाय, टेक केयर।